बंगाल में काफी लोग ऐसे हैं जो जीविका के लिए दूसरे राज्यों से यहां आकर बसे हैं। ऐसे में देखा जाता है कि ये लोग त्योहारों में अपने गांव चले जाते हैं क्योंकि परिवार के साथ उत्सव का आनंद और भी दोगुना हो जाता है। परंतु इस बार होली की खास बात यह है कि इस बार की होली और विधानसभा चुनाव एक साथ है। ऐसे में मतदाता क्या अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे या फिर गाँव की ओर रुख करेंगे, देखिए खास रिपोर्ट। सामने है और यहाँ सियासी दंगल भी चल रहा है, इधर चुनाव भी है, तो क्या होली में इस बार वे वोट देंगे या फिर अपने गांव की ओर रुख करेंगे, क्या कहेंगे? वोट तो देंगे। गांव जाने वाला जो मतलब बिहार यूपी का आदमी हो तो गांव जाएगा ही, हर त्योहार में जैसे छठ पूजा हो, होली हो, तो घर जाएगा ही जाएगा। लेकिन वोट तो दे के ही जाएगा। होली पड़ा है तो यहाँ तो 29 तारीख को वोट है, 29 अप्रैल को वोट है, वो गांव जाएगा, अपना पर्व मनाएगा, फिर वापस चला आएगा, वोट देगा। वोट देने के बाद ही तो होली कहेगा, होली पहले हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं होने बाद तो वोट देने बाद। हम पहले अपना त्योहार देखेंगे, उसके बाद समाज को देखेंगे, तब वोट देंगे। वोट तो अगला महीना में है, त्योहार हमारा ही महीना में है, तो हमारा जो दिमाग में आएगा, अपना सरकार हमारा जो अच्छा लगेगी उसको वोट देंगे। ये अपना कारोबार सत्यु है, बेच के अपना जीवन चला रहे हैं। कितने साल से ये कर रहे हैं? हम तो समझिए जब से 2007 में बंद हुआ उसी का 2-3 महीना बाद काम। तो इसमें परिवार का खर्च चलाना नहीं चलता, अपना नाश्ता पानी का ही निकलता है, इससे घर नहीं चलता। तो क्या लगता है कि खुले? झूठ मिला खुलने का कोई चांस नहीं, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होता है, पूरा खत्म हो गया, पूरा जंगल प्लेन हो गया। हम लोग कोई नेता, सबको नेता हम लोग के लिए अच्छा है, जो गरीब को देखेगा मेरे लिए वही अच्छा है। तो यहाँ के लोगों का यही कहना था कि जब लोग परेशानी में हो तो क्या होली और क्या दिवाली। लोगों का यही कहना है कि कोई भी सरकार सत्ता में आए पहले अपने वादों को पूरा करे और जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियों को पूरा करे, इसीलिए इनका कहना है पहले अपना मत अधिकार, फिर होली या दिवाली या कोई उत्सव। कैमरा पर्सन हीरा के साथ मैं प्रीति।